नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP Basic Info पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मन की दो शक्तियां होती हैं, एक कल्पना शक्ति और दूसरी इच्छा शक्ति। कल्पना शक्ति के विकसित होने पर मनुष्य ऊंची ऊंची उड़ाने भरने लगता है। जिसकी कल्पना शक्ति उर्वर होती है वह कवि, साहित्यकार, चित्रकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि बन जाता है। कल्पना शक्ति में जो प्रकाश होता है उसके माध्यम से उसके मस्तिष्क में अद्भुत एवं चमत्कारिक विचार आते हैं। उसके विपरीत इच्छा शक्ति मनुष्य को साहस एवं कार्य प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है। जब मन की शक्ति बढ़ाने की बात कही जाती है तो इसका तात्पर्य इच्छा शक्ति को बलवती करने से है। अब प्रश्न यह है कि मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। पानी के नल में यदि बहुत से छेद हो तो उनसे पानी की बहुत सी धाराएं छूटेंगे, परंतु उन धाराओं में बैग या बल नहीं होगा। इसके विपरीत यदि एक ही सुराग होगा तो उससे निकलने वाली धारा में अधिक बल होगा। ठीक यही स्थिति मन के विषय में है। यदि मन में एक समय में हजारों विचार उठेंगे तो उन विचारों या संकल्प में कोई शक्ति नहीं होगी। इसके विपरीत यदि मन में एक समय में एक विचार, एक ही संकल्प उठेगा तो वह पर्याप्त शक्तिशाली होगा। मन में जो विचार उठे उस पर दृढ़ होना आवश्यक है। यदि मन में दृढ़ विचार शक्ति का अभाव होगा तो उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संशयात्मा विंशति, अर्थात जिसके मन में संशय होता है उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य ग्रहण संकल्प के साथ करना चाहिए, तभी उसे सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? हमारा चेतन मन उसे महान चेतन शक्ति से जुड़ा हुआ है जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है। यदि वह चेतन शक्ति सूर्य है तो हमारा अवचेतन मन उसकी एक किरण है जो अपने आप में प्रकाशमान है। किंतु इस शक्ति का सूर्य से जितना प्रत्यक्ष संबंध होगा उतनी ही वह अधिक सशक्त एवं प्रकाशमान होगी। यदि वह किरण बदले या धुंध से कट हो जाएगी तो प्रकाश धुंधला पड़ जाएगा। उसकी रोशनी में वस्तुएं इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी जितनी की अन्यथा दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जब हमारे अवचेतन मन का प्रत्यक्ष संपर्क महान चेतना से हो जाता है तब मन की शक्ति को दुर्लभ बनाने वाले व्यवधान समाप्त हो जाते हैं। मैन बलवान बन जाने पर व्यक्ति जो आशीर्वाद या सांप देता है वह अक्षय से सत्य होता है। इस संकल्प शक्ति के सहारे ही मनुष्य ऐसे अद्भुत कार्य कर डालता है जिन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। इसी संकल्प शक्ति से विश्वामित्र ने एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया था। त्रिशंकु को इसी शरीर से स्वर्ग पहुंचने का प्रयत्न किया। साधारण स्थिति में मनुष्य ना तो शक्तिहीन होता है और ना अधिक बलवान। यह दोनों स्थितियों मनुष्य स्वयं उत्पन्न करता है। पहले हमें यह देखना चाहिए कि मां दुर्लभ क्यों हो जाता है, ताकि उन कर्म को दूर करके मन को दुर्लभ होने से बचाया जाए। साधारण दया मन अत्यधिक चिंता करने, परेशानियां, संकट में आशंकाओं आदि के कारण दुर्लभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में किया हुआ संकल्प स्वभाव से दुर्लभ एवं शक्तिहीन होगा। इस दुर्लभता से बचने का एकमात्र उपाय ईश्वर में पूर्ण आस्था रखकर यह मान लेना है कि दुख सुख हमारे कर्मों का फल है, शास्त्रों में कहा गया है। अर्थात हमने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जिस समय यह भावना हमारे मन में आ जाएगी हम प्रत्येक कर्म भोग को अनिवार्य समझकर सैनी के आदि हो जाएंगे। हमें किसी आशंका से भयभीत और चिंतित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। दूसरे गीता के इस उपदेश को हृदय गम कर लेना चाहिए। कम करने का मनुष्य को अधिकार है, फल की इच्छा ना करो। यदि इस सूत्र के अनुसार कार्य किया जाए तो माँ के दुख का एक बहुत बड़ा कारण दूर हो जाता है।
पाठक प्रसन्न कर सकते हैं कि जब गरीबी चिंता वह आदि माँ को दवाई हुए हो तो मन आनंदित कैसे रह सकता है। चिंता वह आदि से छुटकारा पाने का उपाय तो हम ऊपर बात ही चुके हैं। भाभी घुटन को प्रारब्ध का फल मन कर तथा निष्काम कर्म करके भाई और चिंता से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। गरीबों की बात कुछ विचारणीय हो सकती है। इस पर विचार करने से पहले यह सोचना होगा कि गरीबी है किस प्रकार की, वास्तविक गरीबी है या मन की गरीबी है। माँ की गरीबी का तात्पर्य उसे स्थिति से है जिसमें खाने पहनने के लिए तो पर्याप्त है किंतु फिर भी मनुष्य अपने आप को गरीब समझकर दुखी होता है। इसका कारण यह है कि हम सदा ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी तुलना करते हैं जो हमसे अधिक संपन्न होता है। परिवार में प्राय इसी बात को लेकर गले होती है कि अमुक के पास अमुक चीज है किंतु हमारे पास नहीं है। यह तुलना सब दुखों का कारण होती है। कभी किसी को अपनी तुलना न कीजिए। यदि तुलना ही करनी हो तो अपने से कम स्थिति वाले से कीजिए। इससे आपको यह संतोष होगा कि आपकी स्थिति उस और ऐसे हजारों व्यक्तियों से बहुत अच्छी है। यह सुख का साधन है। तो दोस्तों, अब मैं मन की शक्ति का विकास करने के ऊपर दो अभ्यास बता रहा हूँ, तो इस अभ्यास के लिए ध्यान पूर्वक सुने और पढ़े। मन की शक्ति बढ़ाने का अभ्यास एक। मन की शक्ति बढ़ाने का एक साधन यह है कि मन में उठने वाले बहुत से विचारों को हटाकर केवल एक विचार पर मन को केंद्र किया जाए। इसके लिए जप एवं नाम संकीर्तन अच्छे साधन हैं। बार बार एक ही शब्द या वाक्यांश का उच्चारण करने से मन एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र होने से विविध विचार हटकर केवल एक ही विचार का मन में प्रवेश होता है। इसके फल स्वरूप मन शक्तिशाली बनता है। प्रारंभ में यह कठिनाई अवश्य होती है कि मन एक विचार पर अधिक टिक नहीं पाता, तत्काल दूसरे विचार आ घेरते हैं। मन की शक्ति बढ़ाने का दूसरा अभ्यास दो। मन की शक्ति बढ़ाने का एक सरल साधन यह है कि प्रातः काल जब आपकी आँख खुलती है तब किसी एक विचार पर अपने मन को केंद्रित कर लें। उस समय स्वभावतः मन में बहुत से विचारों की भीड़ नहीं रहती। उस समय अंतर मन पूर्ण चेतना अवस्था में होता है। यही कारण है कि तब मन इतना सशक्त होता है कि वह देर तक केंद्रित होकर जो संकल्प कर ले वह अवश्य सिद्ध होता है। यदि प्रातः बेला में कोई व्यक्ति अनुचित बात कह देता है तो घर वाले उसे फौरन टोक देते हैं, सुबह सुबह ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रातः काल संकल्प पूर्वक कही हुई बात सत्य होती है। तो दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।